हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस कैरियर एकेडमी। आज है 23 मई 2022 और 23 मई के करंट अफेयर के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, करंट अफेयर के सभी एक्स्ट्रा फैक्ट को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ में 15 स्ट्रेटिक जीके के क्वेश्चन को भी रिवाइज करेंगे जो आपके आने वाली सभी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। आज की पीडीएफ फाइल को आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। आज का पहला करंट अफेयर है, हाल ही में ग्लोबल फूड सिक्योरिटी कॉल टू एक्शन पर उच्च स्तरीय मंत्री स्तरीय बैठक की अध्यक्षता किसने की है। तो अभी ग्लोबल फूड सिक्योरिटी कॉल टू एक्शन, इस पर एक बैठक आयोजित की गई। बैठक का आयोजन करवाया आईएमएफ ने। आईएमएफ का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। वर्तमान में आईएमएफ की प्रेसिडेंट है गीता गोपीनाथ और जो ये बैठक हुई है इसकी अध्यक्षता की है अमेरिका देश ने। तो इस क्वेश्चन के लिए सी ऑप्शन सही है। अब इस बैठक की अध्यक्षता अमेरिका ने की है, तो अमेरिका से रिलेटेड और जो प्रश्न आपके आगामी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं, सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक सैन्य खर्च में अमेरिका टॉप पर है। यहाँ पे सैन्य लिखा है तो आप लोग सैन्य कर लीजिएगा। भारत ने अमेरिका के साथ शिक्षा और कौशल विकास कार्य समूह स्थापित करने का निर्णय लिया है। केतंजी ब्राउन जैक्सन, ये अमेरिका सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला जज बनी हैं। अंतर्राष्ट्रीय आईपी सूचकांक में यूएसए टॉप पर है। आईपी का फुल फॉर्म होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। वज्र प्रहार, कोप इंडिया, टाइगर ट्रंप, ये जो तीनों सैन्य अभ्यास हैं ये भारत और अमेरिका के सेना के बीच में आयोजित होते हैं। अमेरिका, इसकी राजधानी है वॉशिंगटन डीसी। राष्ट्रपति हैं जो बिडेन, उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस। तो इतने फैक्ट आप लोग अमेरिका से रिलेटेड याद रखिएगा। जो लोग पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाए। साथ में इस वीडियो को आप लोग लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में किस राज्य सरकार के अग्निशामक विभाग में आग बुझाने के लिए 2 रोबोट अपनी टीम में शामिल किए हैं। तो देखिए, अभी दिल्ली की अग्निशामक विभाग ने आग को बुझाने के लिए 2 रोबोट्स को अपनी टीम में शामिल किया है। एक्चुअली में जो कभी कभी सकरी गलियों में या फिर ऐसी बिल्डिंग्स में आग लग जाती है जहां पे अग्निशामक विभाग की टीम आसानी से नहीं पहुंच पाती है, इसीलिए अब 2 रोबोट्स का इस्तेमाल करके आग को बुझाया जाएगा और इसका प्रयोग पहली बार दिल्ली की अग्निशामक विभाग की टीम ने किया है। अब दिल्ली ने किया है तो दिल्ली से रिलेटेड अभी लेटेस्ट के करंट अफेयर्स को देख लेते हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल थे अनिल बैजल, इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया है। दिल्ली में मुख्यमंत्री मुफ्त सीवर कनेक्शन योजना शुरू हुई है। एक्चुअली में ये जो मुफ्त सीवर कनेक्शन योजना है ये क्यों शुरू हुई है, तो जो दिल्ली में गंदा पानी हुआ करता था घरों से निकलने वाला, वो सीधे यमुना में जाता था, जिससे यमुना नदी का पानी प्रदूषित हो रहा था। इसीलिए अब दिल्ली सरकार ने मुख्यमंत्री मुफ्त सीवर कनेक्शन योजना को शुरू किया है। दिल्ली की सरकार ने सरकारी स्कूलों में हॉबी हब योजना को शुरू किया है। इरादा कर लिया है हमने, यह शिक्षा के दिल्ली में लॉन्च हुआ है। भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क दिल्ली में बनाया जा रहा है। तो ये जो लेटेस्ट के करंट अफेयर हैं दिल्ली से संबंधित। दिल्ली की लोकेशन को आप लोग यहाँ मैप में देख सकते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, उप मुख्यमंत्री हैं मनीष सिसोदिया। दिल्ली में कुल जिलों की संख्या है 11, निर्वाचन सीट है 7 लोकसभा की सीटें हैं, राज्यसभा की 3 सीटें हैं और विधानसभा की 70 सीटें हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर देखते हैं आप, हाल ही में राष्ट्रीय महिला विधायक सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो देखिए, राष्ट्रीय महिला विधायक सम्मेलन 2022 का आयोजन होगा केरल राज्य में। केरल राज्य की विधानसभा इस राष्ट्रीय महिला विधायक सम्मेलन की मेजबानी करेगी। अब केरल को इसकी मेजबानी मिली है तो केरल की लोकेशन को आप लोग यहाँ मैप में देख सकते हैं। केरल जो कि भारत के साउथ में लोकेटेड है, राजधानी तिरुवनंतपुरम है, मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन और राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। अभी आरिफ मोहम्मद खान ने ही केरल में 1 स्कूल 1 IAS योजना को शुरू किया है।
केरल से रिलेटेड लेटेस्ट करंट अफेयर देखते हैं। संतोष ट्रॉफी 2022 का खिताब केरल की टीम ने पश्चिम बंगाल की टीम को हराकर जीता है। देखिए, केरल संतोष ट्रॉफी की 7 बार की विजेता बन चुकी है। पहले केरल ओलंपिक खेल तिरुवनंतपुरम में शुरू हुए। कार्बन तटस्थ खेती के तरीकों को पेश करने वाला भारत का पहला राज्य केरल बना है। 2023 में पहली विश्व मूक बधिर T20 क्रिकेट चैंपियनशिप का आयोजन केरल में होगा। केरल का कुबलांगी गांव है, जो कि भारत का पहला सेनेटरी नैपकिन फ्री गांव बना है। केरल राज्य को पहला वैज्ञानिक पक्षी एटलस मिला है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में किस बैंक ने अमेजोन पे के साथ UPI भुगतान के लिए समझौता किया है? तो अभी RBL बैंक ने अमेजोन पे के साथ UPI से भुगतान करने के लिए एक समझौता किया है। तो इस क्वेश्चन के लिए सी ऑप्शन सही है। अब RBL बैंक ने किया है, तो RBL बैंक, इसकी स्थापना हुई थी 1943 में, हेडक्वार्टर है मुंबई में और वर्तमान में इसके MD और CEO हैं राजीव आहूजा। कौन है? राजीव आहूजा। नेक्स्ट करंट अफेयर है, निम्न में से किसने माउंट एवरेस्ट पर दुनिया का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन स्थापित किया है? तो अभी नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी के द्वारा माउंट एवरेस्ट पर दुनिया का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन स्थापित किया गया। तो इस क्वेश्चन के लिए सी ऑप्शन सही है। एक बार आप लोग यहाँ इमेज में देख सकते हैं, जो ये मौसम स्टेशन माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई पर स्थापित किया गया है। देखिए, ये जो मौसम स्टेशन है, इसको 8,830 मीटर की ऊंचाई पर स्थापित किया गया है और माउंट एवरेस्ट की टोटल ऊंचाई कितनी है? 8,848। अब नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। तो इसकी स्थापना हुई थी 13 जनवरी 1888 को। मुख्यालय है वॉशिंगटन DC में। चेयरमैन है जीन एम केस और अध्यक्ष हैं नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी के माइकल यूलिका। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में भारत के उच्चतम न्यायालय ने 2012 से किस राज्य में लगे लौह अयस्क यानी आयरन ओर के निर्यात पर प्रतिबंध को समाप्त कर दिया है? तो देखिए, कर्नाटक राज्य में 2012 से लौह अयस्क के निर्यात और उत्खनन पर प्रतिबंध लगा था, जिसको अभी उच्चतम न्यायालय ने समाप्त कर दिया है। तो इस क्वेश्चन के लिए बी ऑप्शन सही है। अब यह डिसीजन दिया है उच्चतम न्यायालय ने। तो उच्चतम न्यायालय से संबंधित कुछ फैक्ट को देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय का गठन हुआ था 28 जनवरी 1950 को। सर्वोच्च न्यायालय को सुप्रीम कोर्ट बोला जाता है और इससे पहले भारत में क्या हुआ करता था? फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया। फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी 1937 में। बाद में इसको सुप्रीम कोर्ट का नाम दिया गया और कब दिया गया? 28 जनवरी 1950 में। सुप्रीम कोर्ट के जो इस समय मुख्य न्यायाधीश है NV रमन्ना, ये 48वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या कितनी होती है? 33+1। सुप्रीम कोर्ट का आदर्श वाक्य है यतो धर्मस्ततो जया। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश बनी थी यम फातिमा बीवी। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में किसे एकीकृत दिल्ली नगर निगम का नया कमिश्नर नियुक्त किया गया है? तो अभी ज्ञानेश भारती, इनको दिल्ली नगर निगम का नया कमिश्नर नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन के लिए सी ऑप्शन सही है। एक शब्द लिखा है यहाँ पे एकीकृत, इसका क्या मतलब होता है? तो देखिए, दिल्ली में पहले 3 MCD थी, यानी 3 नगर निगम थे, जिसको अब एक कर दिया गया। इन तीनों नगर निगमों को मिलाकर एक नगर निगम किया गया है और अब इसके नए कमिश्नर बने हैं ज्ञानेश भारती, जिनको आप लोग यहाँ इमेज में देख सकते हैं। ये एक IAS ऑफिसर हैं और इनको ही अब नया कमिश्नर बनाया गया है। ये कौन है? तो ये हैं अश्विनी कुमार, जो कि दिल्ली नगर निगम कमिश्नर में कौन बने हैं? स्पेशल ऑफिसर। निधि चिब्बर को CBSE का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। संजीव बजाज ने CII के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया है। टेम्पल्टन पुरस्कार 2022 से फ्रैंक विल्जेक को सम्मानित किया गया है। कैंपबेल विल्सन एयर इंडिया के नए MD और CEO बने हैं।
राजेश उन्नी को मैरीटाइम एंटी करप्शन नेटवर्क का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो ये सभी नाम भी आप लोग याद रखिएगा आगामी परीक्षा के लिए। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार वायु प्रदूषण से संबंधित मौतों की संख्या सबसे अधिक मौतों की अधिक संख्या किस देश में दर्ज की गई है। तो देखिए अभी एक रिपोर्ट जो आई है इसके अनुसार जो एयर पोल्यूशन से सबसे अधिक मौतें हुई हैं वे अपने देश भारत में हुई हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में किस संस्थान ने भारत के पहले 5G ऑडियो और वीडियो कॉल का सफल परीक्षण किया है। तो अभी IIT चेन्नई के द्वारा भारत के पहले 5G ऑडियो और वीडियो कॉल का सफल परीक्षण किया गया है। तो इस क्वेश्चन के लिए सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, सीमा सड़क संगठन यानी BRO का फुल फॉर्म इंग्लिश में होता है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा किस राज्य में बनाई जा रही नेचीफू सुरंग में विस्फोट किया गया है। तो देखिए नेचीफू सुरंग ये BRO के द्वारा हिमाचल प्रदेश में बनाई जा रही है और अभी इसमें लास्ट विस्फोट किया गया है और इस सुरंग को अंतिम रूप देने का प्रयास किया जा रहा है। आने वाले 2 महीने में इस सुरंग को पूरी तरह से आम आदमियों के लिए खोल दिया जाएगा। नेचीफू सुरंग जिसको आप लोग यहाँ इमेज में भी देख सकते हैं, इसकी जो टोटल ऊंचाई कितनी है 5700 फीट और इसी में अभी एक विस्फोट किया गया है। यह सुरंग 500 मीटर लंबी डी आकार की एक सिंगल ट्यूब डबल लेन सुरंग है। इस सुरंग की आधारशिला हमारे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रखी थी और इसको कहाँ बनाया जा रहा है, अरुणाचल प्रदेश में। तो अरुणाचल प्रदेश इसकी लोकेशन को आप लोग यहाँ मैप में देख सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल है ईटानगर, चीफ मिनिस्टर हैं पेमा खांडू, गवर्नर हैं ब्रिगेडियर BD मिश्रा। हिमाचल प्रदेश में क्या है, पक्के टाइगर रिजर्व नामदफा नेशनल पार्क। करंट अफेयर के बाद अब स्टैटिक GK के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को रिवाइज करते हैं। तो कालिदास द्वारा रचित अभिज्ञान शकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद सर्वप्रथम किसने किया था, विलियम जोन्स ने। 3 महिला बटालियन वाला देश का एकमात्र केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल कौन सा है, CRPF। कारगिल टर्निंग द टाइड नामक पुस्तक के लेखक कौन है, मोहिंदर पुरी। डॉक्टर BC राय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, चिकित्सा के क्षेत्र में। भारत के ओम प्रकाश दहिया का संबंध किस खेल से है, तो ओम प्रकाश दहिया इनका संबंध है कुश्ती से। वाटर पोलो की शुरुआत सर्वप्रथम किस देश में हुई थी, इंग्लैंड में। किस राजनेता को लोकनायक कहा जाता है, जयप्रकाश नारायण। मिल्खा सिंह को किस नाम से जाना जाता है, फ्लाइंग सिंह ऑफ इंडिया। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, राजस्थान। किस भारतीय ने प्रबुद्ध भारत पत्रिका शुरू की है, तो इसकी शुरुआत की थी स्वामी विवेकानंद ने। महाराणा प्रताप बुलबुल किसे कहते थे, तो बुलबुल शब्द ये अपने घोड़े चेतक को इस नाम से बुलाते थे। रोलेट एक्ट को किस वर्ष लागू किया गया था, 1919 में। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहां पर था, लोथल में। लोथल कहां है, ये गुजरात राज्य में है। मगध के उत्थान के लिए कौन सा शासक उत्तरदायी है, बिंबिसार। रामायण के लेखक कौन थे, वाल्मीकि। भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं, तो भारतीय संविधान में 22 भाषाओं का उल्लेख है। अब कल के क्विज के आंसर को डिस्कस कर लेते हैं। तो 2 क्वेश्चन जो कल आपसे पूछे गए थे, मंडल आयोग के गठन के समय निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री थे। तो जब मंडल आयोग का गठन हुआ था उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को क्षमा दान की शक्ति प्राप्त है, तो भारत के राष्ट्रपति को अनुच्छेद 72 के तहत क्षमा दान की शक्ति प्राप्त है। अब आज की क्विज के क्वेश्चन, चौरी चौरा की घटना का संबंध किस तिथि से है, तो बताइए चौरी चौरा की घटना कब हुई थी, इसका आंसर आप लोग को देना है कमेंट बॉक्स में। निम्नलिखित में से किसे भारतीय क्रांति की जननी के रूप में जाना जाता है,
झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को, भिकाजी रुस्तम काम को, एनी बेसेंट या फिर सरोजिनी नायडू। तो ये जो दोनों क्वेश्चन है इनके आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। साथ में जो लोग चैनल पर अभी नए आए हैं वो लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर।